हेलो प्लेयर्स, आपका फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसको जानना एक क्रिकेटर के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप भी चाहते हो कि डिस्ट्रिक्ट या स्टेट खेलो तो प्रैक्टिस तो चाहिए ही, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी जो आपसे डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में मांगा जाएगा। वही सारे डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको दिखाऊंगा जिससे मैंने भी डिस्ट्रिक्ट खेला है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे ही आपका नाम डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल लिस्ट में आएगा, सबसे पहले वो आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही करवाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले वो आपसे क्या मांगेंगे, सबसे पहले मांगेंगे वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी बारकोड वाला। वो स्कैन करेंगे ये ओरिजिनल है या फेक, वो ये सर्टिफाई करेंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जब ये आपसे देख लेंगे तो उसके बाद वो आपसे मांगेंगे आपका आधार कार्ड, वो टैली करेंगे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में आपका DOB क्या है, आपकी एज ग्रुप क्या है। ये जब आपसे वो देख लेंगे उसके बाद आपसे मांगेंगे वो पैन कार्ड। आपके पास पैन कार्ड भी होना बहुत जरूरी है, आधार कार्ड भी होना जरूरी है और पैन कार्ड भी होना जरूरी है, और साथ में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज टैली करेंगे, तीनों में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद ही वो डिस्कस करेंगे कि आगे आपको खेलना है या नहीं। वो सब चेक करने के बाद आपसे मांगा जाएगा ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अगर आप अंडर 16 एज कैटेगरी खेल रहे हो और अभी आप जिस क्लास में हो उस क्लास का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और आपके बैक 3 साल का मार्कशीट चाहिए होगा। अगर आप अभी 9th में हो तो 8 का, 7 का या 6 का मार्कशीट वहां आपको मांगा जाएगा। अगर आप अंडर 19 एज कैटेगरी खेल रहे हो तो आपको 10th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और बाकी बैक 3 साल का मार्कशीट मांगा जाएगा। अगर आप अंडर 23 या सीनियर एज कैटेगरी खेल रहे हो और पढ़ाई छोड़ चुके हो, तो फिर भी आप जहां तक छोड़े हो पढ़ाई उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपको ट्रायल में क्वालिफाई नहीं करने दिया जाएगा। जब ये सब चेक करने के बाद आपसे मांगा जाएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आप डिस्ट्रिक्ट के हो या नहीं आपसे वो सर्टिफिकेट मांगेंगे, यानी कि इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, आप उस डिस्ट्रिक्ट के हो या नहीं ये दिखाना होगा। अगर ये आपके पास है तभी वो उस डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में आपको क्वालिफाई करने देंगे। वो सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे मांगा जाएगा ये आपके मम्मी पापा का आधार कार्ड, ये आधार कार्ड भी वेरीफाई किया जाएगा, और ये एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ सब मिलाने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल में क्वालिफाई करने दिया जाएगा। और हाँ, आपके पास सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ओरिजिनल चेक किया जाएगा और उसके बाद आपको क्वालिफाई करने दिया जाएगा। आपका फोटोकॉपी वो रख लेंगे और उसके बाद आपको ट्रायल देने दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है तभी आपको ट्रायल में एंट्री दिया जाएगा, अन्यथा आपको ट्रायल में एंट्री नहीं दिया जाएगा। आपके प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जल्दी से जाओ, आप अपना सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तभी करोगे ना जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा और फिर आप ट्रायल दे पाओगे। अगर आप ट्रायल नहीं दे पाओगे तो फिर प्रैक्टिस करने का क्या फायदा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट करो कि आप डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल कितने बार दिए हो, और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं आपसे किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।